हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम कवर करेंगे रेशियो टेस्ट, राविज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड वेट रेंड टेस्ट। साथ में कराएंगे कुची एंथ रूट टेस्ट। हम देंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे इंपॉर्टेंट MCQ। मैं स्पेशली आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या सिंपली इसको हम रेशियो टेस्ट से भी जानते हैं। इफ सिग्मा UN इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी UN क्या है, एक पॉजिटिव सीरीज है, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन n+1, यानी इनफाइनाइट सीरीज होगी, उसका जो n वा पद होगा उस पर हम सिग्मा लगा देंगे। तो सिग्मा का मतलब है पीछे के सभी पदों का जोड़। ठीक है, तो अगर इसको हम L मान लेते हैं, अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, जो इनफाइनाइट सीरीज होगी, और अगर L की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर 1 आता है L की वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू 1 आती है तो टेस्ट फेल होगा। तब इसमें हम P टेस्ट सीरीज लगाएंगे, यानी कि जो हमने P टेस्ट बताया था पीछे उसका यूज करेंगे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर को दे सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ डिटेल से कुछ लेंथ बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ हमें केवल कंसेप्ट को समझना है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारी बातें नहीं पूछेगा, इतनी बात पूछेगा जो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, शॉर्टली सॉल्व कर दो। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या है, द सीरीज कन्वर्ज। तो सबसे पहले काम है UN निकालना। तो UN क्या होता है इसका, UN निकालें, UN क्या होता है इसका n वा पद। तो n वा पद हम निकालेंगे इसका, देखिए x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आ जाएगा x की पावर n अपॉन में 1, 3, 5, यानी इसका n वा पद निकालेंगे तो 2n-1, दूसरा 2, 4, 6, यानी कि 2n। ठीक है, अब इसके बाद हम चूंकि हम डी लम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकालेंगे तो इसमें UN+1 निकालेंगे, तो जहाँ n है उसके स्थान पर n+1 हो जाएगा। तो यहाँ n के स्थान पर n+1 करेंगे तो 2n+1 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे रहेगा n+1। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें रेशियो का मतलब इनको डिवाइड कर देना। तो अब इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अपॉन में एक्स बचेगा, और मैं इसको चलिए पहले लिख ही लेता हूँ, यहाँ आएगा एक्स की पावर एन अपॉन 2n-1 2n, और ये ऊपर आएगा 2n+1 2n+1, और चलिए ये वाला 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और n+1। ठीक है, आप फोन में क्या आएगा, x की पावर n का मतलब x की पावर n इंटू एक्स, देखिए x की पावर n से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब n ऊपर से कॉमन लेके और n नीचे से कॉमन, यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n ऊपर से कॉमन लेके n नीचे से कॉमन लेके हम इसको काट देंगे और फिर इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा 2+1 अपॉन n, और ये 1+1 अपॉन n, और नीचे यहाँ से एक n, तो यहाँ पर बाहर आके देखिए n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर एक n यहाँ से लेंगे, एक n यहाँ से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ये बचेगा कुल मिला, और इन टू बचेगा x। जब हम लिमिट लाएंगे तो ये 0 यानी 2 बचेगा यहाँ पे, ये 0 यहाँ 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, कुल मिला के बचेगा 1/x। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगाएंगे हम इसकी फॉर कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट को हम शॉर्टकट में CGT बोल देंगे, CGT कन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर CGT क्या होगा, कन्वर्जेंट के लिए ये जो आया अभी जो रेशियो अभी निकाला इज ग्रेटर देन 1। तो अब चूंकि विक्रम करते हैं तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब इसी तरह से डाइवर्जेंट की निकालेंगे, और डाइवर्जेंट के लिए हम लिखेंगे
डी जी टी शॉर्टकट में, ठीक है, तो क्या होगा वन अपॉन एक्स लेस देन वन होगा। तो यहाँ से जब इसको पलटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्स व्युत्क्रम करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और जब हम वन रखेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल, जब टेस्ट फेल हो जाएगा अब हम यहाँ पर रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। कौन सा यू एन कहाँ पर है, स्टार्टिंग वाला जो है, तो यहाँ से देखिए यू एन हमारे पास दिया हुआ है, तो यू एन हो जाएगा वो एक्स की जगह बन जाएगा और ये टू एन माइनस वन इंटू टू एन, ठीक है। वो वी एन निकालेंगे, वी एन हाइस्ट पावर तो जाएगा फोर एन स्क्वायर, ठीक है, एन की हाइस्ट पावर लिखेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि एन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी कितना है, टू है, इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट। तो अब एक्स इक्वल टू वन पे भी कन्वर्जेंट है, एक्स इक्वल टू वन पे कन्वर्जेंट है, और किस पे है कन्वर्जेंट था, इस पे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन इस पे कन्वर्जेंट हो गया, तो यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू हो गया यहाँ पे, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू वन। अच्छा वैसे अलग अलग दे रखा है तो हमें इसे मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर एक जगह होता तो मिलाते हैं। x लेस देन वन कन्वर्जेंट, यानी ये वाला सही हो गया। x ग्रेटर देन वन पे जो है डाइवर्जेंट है, यानी ये वाला भी सही हो गया। x इक्वल टू वन पे भी कन्वर्जेंट आया, p टेस्ट अभी वैसे यू एन अपॉन बी एन भी निकालना होता, वो फाइनाइट आना चाहिए, वैसे हमें वैसे ही सिंपली दिख रहा है वन अपॉन फोर आएगा यहाँ पे सोल्व के, वो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो राइट आंसर हो गया इसका, डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सभी इसके ट्रू हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द सीरीज ये बताना कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, नॉन कन्वर्जेंट, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें दो ही में से कुछ एक बतानी है, तो यहाँ ऑक्सीलेटरी का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि हमें पीछे वाला जो टेस्ट हमने किए थे उसमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, चलिए अब देखिए इसको कर देते हैं। तो इसके लिए हमने जो अब कर रहे हैं रेशियो टेस्ट कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट में सबसे पहले निकाला जाता है यू एन, यू एन क्या हुआ इसका एनवा पद, तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है वन फैक्टोरियल, यानी कि वन थ्री फाइव, तो ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, तो यह हो जाएगा टू एन माइनस वन, और नीचे वन थ्री वन टू थ्री फोर, यानी कि एन फैक्टोरियल। उसके बाद हम निकालेंगे यू एन प्लस वन, यानी एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे, तो यह हो जाएगा टू एन प्लस वन और एन प्लस वन। अब इनका रेशियो निकालेंगे, साथ में लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टू एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल, और इसे नीचे आएगा 2n प्लस वन, और यहाँ से इसे एक बार खोल देंगे तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अब लिखिए लिमिट रखने से पहले कॉमन लेंगे हम, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, n ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और दोनों में से n लेंगे 2 माइनस वन अपॉन एन, वन प्लस के वन अपॉन एन, और नीचे एन कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचेगा टू प्लस के वन अपॉन एन। तो यहाँ पर देखिए एन इंटू में अब भी रह गया, एन इंटू में होने की वजह से जब लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये क्या है ग्रेटर दैन वन है, ठीक है। और जब वन से बड़ा होता है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं राबीज टेस्ट ये क्या होता है। देखिए इफ़ यू एन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि इस टाइप की कोई हमारी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी इन्फाइनाइट सीरीज होगी इस टाइप की, लिमिट एंड टेंड टू, देखिए इतना तो वही है रेशियो टेस्ट, ठीक है। और अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और इसमें पी टेस्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है तब राबीज टेस्ट का हम यूज करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें माइनस वन करना अपनी तरफ से और बाद में एन से मल्टीप्लाई कर देनी, सोलो के जो भी वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट, और एक पर जो होगा वो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो
तो चलिए अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया सामने। क्वेश्चन है ये है, ये क्वेश्चन देखिए सामने है। द सीरीज ये देखिए, या इसमें एक पहचान भी है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हो उनमें एक्स मोस्टली ज़्यादातर होता है क्वेश्चन में। अगर एक्स क्वेश्चन में है तो समझ जाओ कि इन्हीं टेस्ट से हमें करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जरूर मैं लंबे लंबे तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट को समझा रहे हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो कुछ सारी बातें नहीं पूछता है, कुछ बातें पूछता है, तो हम शॉर्ट में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल में समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि इसका यूएन निकाला जाए, यानी कि इसका एनुअल पद निकाला जाए। तो इसका जो यूएन होगा वो क्या होगा, देखिए जो लास्ट वाला पद होता है वो यूएन कहलाता है, यानी टीएन कहलाता है, और उसमें पीछे वाले पद जो है वो सब जुड़ने होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला पद जो होगा ऐसा क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू 2, 4, 6 है तो 2n का होल स्क्वायर ये होगा। ठीक है, इसी तरह से अपॉन में क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, और लास्ट में जाके अब देखिए 3, 5, 7 तो ये तो बन गया है विषम पदों वाली, यानी 2n+1 हो जाएगा इसका, और 4, 6, 2 इसका हो जाएगा 2n+2। देखिए n की जगह 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, n की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 है 5, दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, और इन 2 में आएगा x की पावर, आएगा यहाँ पे x की पावर आ रहा है, देखिए स्क्वायर आ रहा तो ये हो जाएगा x² x की पावर 2n। एन की जब 1 रखेंगे देखिए पहला मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा मिल जाएगा, और n रखेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका un+1, un+1 तो un+1 का मतलब एक स्टेप इसको आगे बढ़ा देंगे। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2n का स्क्वायर, और एक और रहेंगे 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे देखिए ये जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, इतना तो रहेगा ही, 2n+1, 2n+2, और जब हम इसमें n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2n+3, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 2n+2 एंड 2n+4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इसका चेक करेंगे इसमें रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट क्या देगी, un/un+1, लिमिट भी लगा देते हैं, n→∞, लिमिट n→∞। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये पूरा कट जाएगा, जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बचेगा x^2n। अच्छा यहाँ और रह गया मेरे लिखने से, ये हो जाएगा x^2n+2। तो x^2n से x^2n कट जाएगा तो x² बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ये बचेगा ऊपर जाके 2n+3 और 2n+4 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ये आएगा 2n+2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, और जो है नीचे बचेगा 2n+2 का होल स्क्वायर, 2n+2 का होल स्क्वायर, और इंटू बचेगा x². ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इतना मैं अलग दिखा देता हूँ, ये वाले से ये वाला इतना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इतना यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक का। ठीक, ये पूरा तो क्या बचा, यहाँ x^2n बचा, यानी कि 2n से x^2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो अपोन में बचेगा x² भी, x² कहाँ बचेगा, अपोन में। तो इसको मैं अपोन में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा, जब अपॉन बनेंगे तो ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, देखिए यहाँ पे तो लिमिट रखेंगे तो दो ये एन बाहर लेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 2 बचेगा कुल मिला के। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 2 अपॉन, हाँ 2 दूनी 4 2 से 2 कट जाएगा कुल मिला के, लिमिट लगा के ये बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे, 4 कन्वर्जेंट,
शॉर्टकट में कन्वर्जेंट को सी जी टी बोलेंगे, ठीक है। फॉर कन्वर्जेंट वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन वन, कन्वर्जेंट की कंडीशन हो गई एक्स स्क्वायर लेस देन वन, ठीक है। अब देखिए फॉर डाइवर्जेंट लगा देते हैं, फॉर डाइवर्जेंट डी जी टी, तो डाइवर्जेंट के लिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन वन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, ये कंडीशन ये आ गई। और एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो अब हमने पहले क्या करा था, पी टेस्ट से करा था, तो पी टेस्ट से आपके नहीं कर सकते क्योंकि आपके यू एन जो है वो क्लियर नहीं है, तो अब हमें जो है राविज टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो राविज टेस्ट क्या कहता है, राविज टेस्ट ये कहता है, ठीक है, क्या कहता है राविज टेस्ट, कि इसमें से माइनस वन करेंगे और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा शुरू वाला है उसी में, देखिए मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा यहाँ पे, तो हमें क्या करना है राविज टेस्ट में, एन से तो मल्टीप्लाई करनी है, पहले ले ये करना यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, माइनस वन करना है और क्या करना है यहाँ पे इनटू में एन करना है और लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इतना हम माइनस वन करेंगे पहले, इसमें से माइनस वन करना है इसमें से और एन से मल्टीप्लाई करनी है, तो इतना काम यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए एन प्लस, ऐसा करते हैं इनकी मल्टीप्लाई भी मैं हाथों हाथ कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर एन स्क्वायर और प्लस के एट एन और प्लस के सिक्स एन माइनस के तीन चौक बारह, और ये माइनस का ही आएगा, माइनस का फोर एन स्क्वायर माइनस का फोर और माइनस के एट एन ये आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, प्लस टू का होल स्क्वायर और इनटू में देखिए यहाँ पर एन और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फोर एन स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अब हम एन कॉमन और लेंगे, यहाँ पे एन कॉमन लेके तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, तो कुल मिला के जो आएगा, मैं और कर देता हूँ, देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, मैं दिखा देता हूँ, कोई कन्फ्यूज हो जाएगी जगह कम हो जाएगी, तो यहाँ देखिए ये करा है मैंने यहाँ पर, देखिए तो इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा एन, ऊपर ये बचेगा नीचे ये, अब यहाँ पे एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा सिक्स नीचे बचेगा फोर, इन थ्री अपॉइंट टू बचेगा, थ्री अपॉइंट टू का मतलब हो गया कन्वर्जेंट, तो एक तो ये आया ग्रेटर देन वन, थ्री अपॉइंट टू यानी कि एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन पे, और कन्वर्जेंट और किस पे आ रहा, कन्वर्जेंट आ रहा है इस पे, एक कंडीशन ये बनी कन्वर्जेंट की और एक कंडीशन ये बनी, तो इक्वल टू और लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन हो गया और एक्स ग्रेटर देन पर हो गया डाइवर्जेंट, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए अब समझते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, तो लॉगरिथमिक टेस्ट से पहले एक बार मैं रिवाइज करा दूं, यानी कि रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट में क्या करते थे हम, यू एन निकालेंगे और उसका यू एन प्लस वन निकालेंगे और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी निकालेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन है डाइवर्जेंट और इक्वल टू का टेस्ट फेल। दूसरा हमने निकाला राविज टेस्ट, राविज टेस्ट में क्या करते हैं हम, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में माइनस वन करेंगे, ठीक है, माइनस वन करने के बाद एन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हम राविज टेस्ट में कर रहे थे, और करने के बाद वही ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन है डाइवर्जेंट और एक पर टेस्ट फेल। अब इसमें क्या करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट में जो हमारा रेशियो टेस्ट है उसी का लॉग ले लेना, लॉग ले लेना, ठीक है, जो रेशियो टेस्ट होगा, और बाद में अपनी तरफ से एन से मल्टीप्लाई कर देनी, वही लिमिट लगाएंगे, और ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट और एक पर टेस्ट फेल, ठीक है। इसको भी चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं, लीजिए क्वेश्चन आ गया है, द सीरीज ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट इनमें से कोई सा एक ऑप्शन है, तो अब हमें दिख रहा था कि यहाँ पे एक्स आया हुआ, तो इसका मतलब हमें जो ये टेस्ट हम करा रहे हैं इनकी हेल्प से करना, जो पहले हमने स्टार्टिंग कराया था पी टेस्ट और जो अल्टरनेट सीरीज कराए थे उनसे नहीं करना, तो चलिए इसको मैं थोड़ा साइड से लगा देता हूँ, आप देखिए इसको करते थे। सबसे पहला काम होता है यू एन का, तो यू एन निकालेंगे
तो यहाँ पर देखिए यूएन सीरीज जो बने वो यहाँ से इसको हम ये ले सकते हैं। अब चूंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो अगर हम एक टर्म इसको नेगलेक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करा, एक टर्म को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से। तो अब हम यहाँ से मान लें 1 2 3 से, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल। इनफाइनाइट सीरीज में अगर एक दो टर्म कम भी कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर n हो जाएगा, नहीं 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट है, 2 3 4, तो ये हो जाएगा n+1, और की पावर 1 2 3 है तो ये n हो जाएगा, ठीक है। और इन 2 में यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो x की पावर n, तो n बराबर 1 रख के देख लीजिए, ये अलग मिल रहा है, 2 रख के देख लेंगे तो ये मिल रहा है, सही है, ठीक है। तो अब इसका यू एन प्लस वन निकालेंगे। तो पहले प्रोसेस वही है, यानी कि पहले हम रेशियो टेस्ट ही चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 और ये हो जाएगा n+2 और ये हो जाएगा n+1 इंटू में x की पावर n+1। तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट निकालेंगे। रेशियो टेस्ट का मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा सा शॉर्ट लगा देता हूँ। क्या शॉर्ट लगाएंगे, एक्स की पावर जब डिवाइड करेंगे एक तो 1/x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा दिस अपॉन दिस, यानी कि एन फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे तो n/(n+1) बचेगा, ठीक है। ये अच्छे से डिवाइड किया जाएगा और नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, तो ऊपर पहुँचेगी तो n+2, अच्छा n+2, यही बचेगा n+2 की पावर n+1। तो मैं चलिए अब केबल जो यहाँ से एक तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक इसे जब हम खोलेंगे तो n+1 और n फैक्टोरियल, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा n से, ठीक है, बाकी तो पूरे का पूरा ऐसे ही रहेगा। तो कुल मिला के जो बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा दे और ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, यानी n+2 की पावर बचेगा n+1, ये ऊपर पहुंच गया, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ये n+1 और n+1 की पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ बचेगा n+1, यानी कि n की पावर n+1, ठीक है, ये बचा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको ले सकते हैं हम n+2 और n+1 की पावर n+1 × 1/x, ठीक है। अब इस तरह को इसे देखिए थोड़ा ऐसे भी ले सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसे ले सकते हैं 1+k 1/(n+1)। अब देखिए अगर मैं एलसीएम लूँ तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी × 1/x। अब इसे होता फॉर्मूला, इसे लगा देंगे e की पावर में पहुँचा देंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऐसा करते हैं। तो ये लिमिट सॉल्व करने की ट्रिक है, इसमें से एक कम कर देते हैं और जो लिमिट होती है पावर होती है वो इंटू हो जाती है, और यहाँ पे 1/x ऐसे रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा ई की ई इंटू 1/x, ई इंटू ये पूरा बन जाएगा ई इंटू 1/x, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे जैसे कि हमने पहले लगाई थी। क्या कंडीशन, अभी रेशियो टेस्ट कर रहा, तो फोर सी जी टी कन्वर्जेंट क्या होगा, ई अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इम्प्लाइज डैट एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है और ई की जो वैल्यू है आप मालूम तो है नहीं कितना है, तो इसलिए यहाँ इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। और ई एक्स पॉजिटिव इतना पता, निगेटिव होता तब इसको मेरे को चेंज करना पड़ता है। अब दूसरा है क्या, ई अपॉन एक्स फोर डाइवर्जेंट और डी जी टी ई अपॉन एक्स लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज डैट ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ई आएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गई, और जब ई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट हो जाएगा फेल, टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल है तब हमें जो है लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है, यानी कि अब हमें लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे देखिए हम,
मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक हमने कर दिया, देखिए ये आ गया कन्वर्जेंट, ये तो टेस्ट फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो लोग लेंगे दोनों साइड का, देखिए हमने लोग यहाँ पे ले लिया है, यहाँ इस कौन से वाले का, जहाँ हमने लिमिट ले रखी है इस वाले फंक्शन का, इसका हम लोग लेंगे। तो लोग लेंगे तो एन प्लस वन पहले आ जाएगी, लिमिट वन प्लस एन, और ये वन अपॉन एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, वन अपॉन एक्स की जगह, वन अपॉन एक्स की जगह रख दिया ई, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन एक्स की जगह क्या आएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, एक्स, और एक्स की जगह ई आ जाएगा, कुल मिला के एक्स की जगह ई रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, वो वन है, तो यहाँ आ जाएगा इन टू में ई, देखिए इस वन अपॉन एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वन अपॉन ई रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस एक्स की जगह वन अपॉन, वन अपॉन ई जब हम यहाँ रखेंगे तो एम बटे एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, साथ में लिमिट भी चल रही है यहाँ पे, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए हमने लिमिट ये रख दी, और यहाँ पर लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से इसका प्रसार कर दिया, लॉग वन प्लस एक्स का प्रसार करेंगे तो ये आएगा, और साथ में आप क्या करना, हमें जब हम इसका प्रसार करेंगे लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो वन हो जाती है, तो माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एन प्लस वन की तो अंदर एंट्री कर देंगे, और साथ में n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड में, ठीक, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो बचेगा n इंटू दिस बचेगा, n इंटू दिस, ठीक है। और जैसे ही हम लिमिट यहाँ पर लगाएंगे n टेन टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का वन अपॉन टू, बाकी आएंगे सभी जीरो हो जाएंगे, यहाँ देखिए ऐसे करके बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो माइनस का वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो वन पर डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो लेस देन पे डाइवर्जेंट हो गया किस पे, एक्स इक्वल टू ई अपॉन एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू ई पे क्या है, डाइवर्जेंट है, तो एक्स इक्वल टू ई क्या होना, लेस देन वन वाला, तो डाइवर्जेंट किस पे हुआ हमारा, एक तो डाइवर्जेंट हुआ इक्वल पे, और डाइवर्जेंट किस पे था, यहाँ पे डाइवर्जेंट था ग्रेटर देन पे, तो ग्रेटर देन इक्वल डाइवर्जेंट हो गया ये वाला। यहाँ पे मैं अलग कर से दिखा दूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे एक इस पे, क्योंकि इक्वल पे भी डाइवर्जेंट बैठ रहा है और ग्रेटर देन पे भी डाइवर्जेंट बैठ रहा है, तो राइट आंसर हो गया इसका सी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पे डाइवर्जेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, चलिए अब हम समझते हैं डी मॉर्गन एंड वर्टरेंट टेस्ट, ये क्या होता है टेस्ट। इफ सिग्मा यू एन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी कि वही इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो जैसा कि पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार, अगर सबसे पहले हम यू एन निकालते हैं और फिर यू एन प्लस वन निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो टेस्ट, ठीक है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। उसके बाद दूसरा वाला जो है रेशियो टेस्ट के बाद आता है रफ टेस्ट, रफ टेस्ट में क्या करते हैं हम, इसमें से माइनस वन कर देते हैं और इनटू में एन कर देते हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट में जो रेशियो टेस्ट होता है उसी में हम लॉग ले लेते हैं, यानी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा है वह है रफ टेस्ट, रफ टेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा चौथा रफ टेस्ट है, जो रफ टेस्ट है हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, तो इसी में देखिए ये पूरा है n यू एन अपॉन यू एन, इसी में से पहले माइनस वन करेंगे और बाद में इन टू में लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बार फिर समझेंगे। इतना जो है यहाँ से यहाँ तक ये था राविज टेस्ट, राविज टेस्ट में से माइनस वन कर दिया और लोग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी मॉर्गन एंड वर्टरेंट टेस्ट, ठीक है। ग्रेटर देन वन पे क्या है, ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट और टेस्ट पे, ठीक है। एक बार मैं और आपको दिखा दूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहला था हमारा रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट में देखिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यानी कि यू एन निकाला यू एन प्लस वन। दूसरा वाला था हमारा रेशियो टेस्ट के बाद आ गया था रफ टेस्ट, रफ टेस्ट में यू एन अपॉन यू एन माइनस वन, माइनस वन करा और एन से मल्टीप्लाई करी। उसके बाद था लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का हमने लॉग लिया और इनटू में कर दिया। और जो चौथा है अब आया है, यह आया है डी मॉर्गन एंड वर्टरेंट टेस्ट। इसमें क्या करना, जो हमारा रेशियो टेस्ट था उसी में से माइनस वन, सॉरी जो डी राविज टेस्ट था उसमें से माइनस वन करना और लॉग एन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन पे, द सीरीज ये
अब ये इनमें से बताना कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको भी मैं किनारे पर लगा देता हूँ पहले, और जैसा कि करते हैं हम सबसे पहले टी एन निकालेंगे, तो टी एन का मतलब यूएन निकालेंगे। तो यूएन क्या हुआ इसका, इसमें देखिए अगले वाले पद में पहले वाला पद प्लस होता चला जा रहा, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म होगा वही इसका यूएन हो जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा, यू अल्फा अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस वन का स्क्वायर और अल्फा प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से लास्ट में हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर, यह मैंने आपको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए पी वन नहीं है, ए पी का एनुपात होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह कितना अल्फा है, और स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस वन माइनस वन यानी कि एन माइनस वन, ठीक है। तो अल्फा अल्फा बीटा, अच्छा, तो नीचे क्या है, बीटा बीटा वन बीटा टू। अब देखिए मेरे हिसाब से यहाँ भी स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर ही मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि तो तभी सेक्वेंस बनेगा, ए ये हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस वन, डी हो जाएगा यहाँ पे वन एन माइनस वन इंटू वन, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में देखिए, यहाँ पे पहले वन है फिर टू है, एन बराबर वन है। अच्छा एक पहले टर्म को आप नेगलेक्ट करके ही आप इसको करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म हुआ इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, नेगलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। जब वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए एन की जगह वन रखेंगे पहला टर्म मिल जाएगा एल्फा प्लस वन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्योंकि ये एन वा पद नहीं है, लास्ट का पद जो होता है उसी एन वा पद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नीचे निकालेंगे तो नीचे आएगा वन टू थ्री फोर अप टू एन आ जाएगा, और यहाँ बीटा बीटा प्लस वन और बीटा प्लस टू, और लास्ट में आएगा बीटा प्लस एन माइनस वन, ये आएगा, ठीक है। और इसको हम निकाल लेते हैं यू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन कैसे निकलेगा, जब एन के स्थान पे एन प्लस वन रखेंगे तो एक पद और बढ़ा देंगे हम आगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस वन का स्क्वायर एल्फा प्लस टू का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एल्फा प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर, और जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल्फा प्लस एन का स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वन टू थ्री अप टू एन और एक और यानी कि एन प्लस वन, ऐसे यहाँ भी बीटा बीटा प्लस वन और यहाँ पे बीटा प्लस एन माइनस वन और बीटा प्लस एन, ठीक। अब इसमें इंटू में आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं यानी कि रेशियो टेस्ट निकालेंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो कटेगा एक तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बीटा प्लस एन से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन, तो कुल मिला के ऊपर बचेगा अल्फा प्लस एन का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा एक बचेगा यहाँ पे एन प्लस वन, ये वाला ये इतना कटा था ना ये बच गया था एन प्लस वन, और यहाँ बचेगा बीटा प्लस एन, और इन टू में बचेगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से फिर एन कॉमन ले काटेंगे तो यहाँ बचा एन कॉमन लेंगे तो अल्फा अपॉन एन, और एन लेंगे तो यहाँ बीटा अपॉन एन, कुल मिलाकर वन अपॉन एक्स बचा, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे रेशियो वाली, फॉर कन्वर्जेंट और सी जी टी, क्या हुआ वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो दिस इम्प्लाई डेट एक्स लेस देन इक्वल टू वन, कन्वर्जेंट किस पे एक्स लेस देन इक्वल टू वन, तो
एक तो ये आंसर हमारा मिल गया, दूसरा 4 DGT, वो डाइवर्जेंट 1/x <1 upon x> less than 1, डिप्लाइडर एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, ये भी देखिए मिल गया। अब इसके बाद 1/x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई डेट एक्स इज इक्वल टू 1, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल, जब टेस्ट फेल हो गया तो नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद आता है देखिए रेशियो टेस्ट के बाद आता है राविज टेस्ट, तो राविज टेस्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। राविज टेस्ट क्या कहता है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 - 1 इंटू एन, ये राविज टेस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, देखिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मैं आपको दिखा देता हूँ इससे टाइम बच जाए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या करा, एन यू एन प्लस 1 राविज टेस्ट हमने यहाँ लगा दिया, इसको सॉल्व किया, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे, तो कुल मिला के अब नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आएगा यू एन अपॉन यू एन माइनस 1, यानी कि ये बचा अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2 अल्फा। यहाँ पे जब काटेंगे तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा इधर वाला, एन स्क्वायर लेके हम अपॉन में 1 बचेगा। ठीक, तो ये बचा हमारे पास और राविज टेस्ट से। अब ये 1 + β - 2 α फॉर कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बीटा ग्रेटर देन 2 α, तो कन्वर्जेंट फॉर बीटा ग्रेटर देन 2 α, तो कन्वर्जेंट बीटा ग्रेटर देन 2 α, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, यहाँ तक ठीक आ गए। अब उसके बाद आता है फॉर डाइवर्जेंट लेस देन 1, तो बीटा लेस देन 2 α, तो ये अभी नहीं है, इसे हम रोक कर रखते हैं। ठीक है, एक ही वाला रह गया अभी। अब 1 पे क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो टेस्ट फेल क्या हो जाएगा, 1 + α - 1 β - 2 α = 1, तो यहाँ सोल्व कर जाएगा β = 2 α। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला टेस्ट जो अभी हमने आपको बताया था, डी एलम्बर्ट बर्टलेट टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टलेट टेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब कैसे लगाएंगे, फिर ये क्या है, जो हमने यू एन जो अभी हमने निकाला था राविज टेस्ट, उसमें से माइनस वन करना है। माइनस वन करने के बाद फिर इसको लोग एन से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए जो राविज टेस्ट है, इसमें से मैंने माइनस वन कर दिया और लोग एन से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे जो करा था हमने अभी, 1 फेल होने पे यू एन माइनस वन करा पहले हमने, माइनस वन करके क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से माइनस वन करा, यहाँ जब माइनस वन यहाँ करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने लोग एन से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे जो एन बचेगा अपॉन वाला वो इनटू में रख लेंगे इसको एन, क्योंकि नीचे जो कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक एन तो हम ऊपर वाले से कैंसिल कर देंगे, एक एन बचेगा तो एक एन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इतना तो देखिए, यहाँ पे जब हम एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस का अल्फा स्क्वायर बचेगा, नीचे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ लोग एन अपॉन एन की जो वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि 0 आ गया, 0 क्या है, लेस देन 1 है, 0 लेस देन 1 है तो यानी डाइवर्जेंट हो गया। तो लेस देन इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट है और लेस देन पे भी डाइवर्जेंट है, तो इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट और लेस देन पे भी डाइवर्जेंट, यानी कि ये भी सही हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका ई, क्योंकि सभी पार्ट ए बी सी डी सभी ट्रू है। अब इसके बाद देखिए लास्ट हमारा बचता है कुची रूट टेस्ट। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, तो जब ये हमने कराया है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी इसे पता रहना चाहिए हमारा। तो एक बार फिर इसे बताने से पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट में क्या है, यू एन निकालेंगे और यू एन प्लस 1 करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अगर लिमिट जो है ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू टेस्ट फेल। दूसरा रावी टेस्ट है, रावी टेस्ट में क्या करते हैं हम, इसमें से माइनस 1 करते हैं और इंटू में एन कर देते हैं। तो रावी टेस्ट में फिर वही कंडीशन। फिर लॉगरिथमिक टेस्ट है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या होता है, जो रेशियो है उसका हम लिमिट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये राविज टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया। उसके बाद आया था ये जो रेशियो टेस्ट, राविज टेस्ट है, डी मॉर्गन टेस्ट एंड बर्टलेट टेस्ट, हो ये लंबा है, इसमें से पहले माइनस वन करेंगे, माइनस वन करने के बाद फिर यहाँ पे लोग एन से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कहलाता है डिमॉर्गन टेस्ट कहलाता है या बर्टलेट टेस्ट, नाम भी थोड़ा सा इसका डिमॉर्गन एंड बर्टलेट टेस्ट। ठीक है, क्या है इसमें, माइनस वन करा और यहाँ से जो राविज टेस्ट है उसमें से माइनस वन करा और लोगन से मल्टीप्लाई करी। अब इसके बाद आता है कोची रूट टेस्ट, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा कोची रूट टेस्ट। इसमें क्या करना है, सिंपली हमें जो यू एन दिया है ठीक है उसमें वन अपॉन एन लगा देना और फिर जो एल होगा इसमें देखिए जरा ध्यान देने वाली बात है कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पावर की वजह से तो कन्वर्जेंट के लिए लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट और एक पे टेस्ट फेल, कंडीशन इसमें जो है उल्टी यानी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन की पहचान बड़े आराम से हो जाएगी इसमें, जब एन हमें काटना हो तो तब ये वाला हमें कुछ ही रूट टेस्ट हम लगाएंगे यानी एन जब ऊपर हमें दिया हो। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि nth रूट कुची nth रूट टेस्ट क्या होता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें निकालेंगे यू एन, तो यू एन हमें डायरेक्ट दिया हुआ, देखिए यू एन से ही हमें मालूम चल जाता है कि हमें यहाँ पे nth कुची रूट टेस्ट लगाना है। ठीक है, की पावर n, जब भी मैंने कहा था अगर पावर में कहीं पे इस तरह से n दिख जाए तो ये टेस्ट लगाएंगे। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे यू एन की पावर वन अपॉन एन, तो वन अपॉन एन करेंगे तो देखिए ऊपर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला एन यहाँ बचेगा ये, और नीचे ये टू की पावर एन है ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ टू बचेगा केवल, और यहाँ बचेगा इसे ले सकते हैं देखिए एन की पावर एन इंटू एन, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने वन अपॉन एन, तो कुल मिला के क्या बचा यहाँ पे एन प्लस के रूट एन अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे टू एन इंटू एन की पावर वन अपॉन एन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, तो वन अपॉन टू को मैं बाहर लिखूँगा और इसे लिखेंगे वन प्लस के रूट एन अपॉन एन होता वन अपॉन रूट एन ऐसे करके और इन टू में वन अपॉन एन की पावर वन अपॉन एन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिमिट और लगा देते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन की पावर वन अपॉन एन, जब हम लिमिट लगाएंगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, अब देखिए मैं एक काम कर लेता हूँ इसको अलग अलग लगा देता हूँ लिमिट, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन की पावर वन अपॉन एन। ठीक है, जरा ध्यान समझेंगे इसको इस स्टेप को, वन अपॉन टू यहाँ ऐसी रहेगा, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस की जीरो। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो अपॉन में है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो अगर मैं लिमिट रखूँगा तो ये यहाँ पे ये आएगा वन अपॉन इन्फिनिटी की पावर वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। वैसे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है लेकिन अगर लिमिटिंग केस हो एग्जैक्टली नहीं पता होता क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन अगर ये लिमिटिंग केस हो यानी कि लिमिट के रूप में हो तो हम इसको अप्रोक्सीमेट एक के मान ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट एट, तो उस स्थिति में यह हो जाएगा वन अपॉइंट टू, और वन अपॉइंट टू क्या होता है लेस देन वन होता है, लेस देन वन पर क्या होती है सीरीज कन्वर्जेंट सी जी टी, कन्वर्जेंट का मतलब ए पार्ट, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अभी तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, हर संडे टेस्ट होता है और वहाँ टेस्ट के बाद तुरंत रिजल्ट भी ग्रुप में 5 मिनट बाद अपलोड कर दिया जाता है, जो टॉपर रहते हैं टेस्ट में उनको हाईलाइट भी किया जाता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप प्रैक्टिस को और मजबूत करना चाहते हैं तो अभी से टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, बिल्कुल भी विज्ञापन का वेट मत कीजिए क्योंकि अभी से तैयारी होगी तभी आप क्लियर कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।